अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अभी आपका एक नई वीडियो के साथ। मैं मौजूद हूँ अभी हैया अलनुज़हा में, जरीर कॉम्प्लेक्स के बाहर। इसकी मेन लोकेशन है हैया अलनुज़हा जरीर कॉम्प्लेक्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ जरीर बुक स्टोर यानी मकतब जरीर के अंदर, और यहाँ से कवर करने वाला हूँ मैं आज लैपटॉप, और वो भी ऐसे ऐसे अट्रैक्टिव लैपटॉप। यार वीडियो देखने के बाद आपके मन में जरूर ख्याल आएगा कि ये वाला लैपटॉप जो मुझे खरीदना चाहिए आज के आज ही। और कुछ लैपटॉप पर जो है बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि 600-700 रियाल पर लैपटॉप पर जो है डिस्काउंट चल रहा है। तो अगर आप भी लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो आज ही मकतब जरीर यानी जरीर बुक स्टोर विजिट करें और उस डिस्काउंट का जो है फायदा उठाएं। तो आइए फिर चलते हैं फिर मकतब जरीर में और कवर करते हैं आज बेहतरीन वाले लैपटॉप। आ जाओ फिर। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे HP का है, इंटेल कोर i7। एंड देन इसका प्राइस की बात कर लें तो ये है सऊदी 5499 रियाल यानी ऑलमोस्ट 5500 यानी 5500 रियाल, खमसा अलफ अरबामिया तिस्सा तिस्सीन रियाल हदा फकत मकतब जरीर यानी जरीर बुक स्टोर। देख लेते हैं नेक्स्ट इसकी बात कर लें, ये भी HP का है और ये है कोर i7। कोर i7 विंडो 11 सपोर्ट करेगा ये, एंड देन इसमें भी विंडो 11 है। तो ये है 4599 रियाल यानी ऑलमोस्ट 4600 में है, अरब अलाफ सितमिया तकरीबन सितमिया हदा फी फकत मकतब जरीर। बात कर लें 2.90 GHz एंड 512 GB SSD, 16 GB जो है मेमोरी है इसका, 15.6 फुल HD, 2 GB NVIDIA GeForce MX450, विंडो 11 USB एंड HDMI सपोर्ट करेगा। तो यह है इंटेल कोर i7 1165G7 2.80 GHz, प्रोसेसर स्पीड है इसकी और HD स्टोरेज है 1 TB SSD, रैम है इसकी 16 GB की, डिस्प्ले टाइप है 13.3 फुल HD, ग्राफिक कार्ड है 2 GB NVIDIA GeForce MX450, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 11 एंड USD SD कार्ड रीडर। बात कर लें इस वाले HP के लैपटॉप की, इसका देख लेते हैं, Ryzen Core i7 है, 5000 सीरीज है, प्रोसेसर टाइप है इसका AMD Ryzen 7 5700, प्रोसेसर स्पीड रहेगी इसकी 1.80 GHz, HD स्टोरेज रहेगी इसकी 1 TB SSD, रैम की बात करें तो इसकी रैम रहेगी 16 GB, डिस्प्ले टाइप है 15.6 फुल HD, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें AMD Radeon ग्राफिक, ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका विंडो 11 एंड अदर स्पेसिफिकेशन USB HDMI। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक। अगर इस पर इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 180 मतलब कि ऑलमोस्ट 181 सऊदी रियाल रहेगा इसका, और 36 महीने यानी 3 साल तक आपको ये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। प्राइस की बात कर लें, इसका प्राइस है 3899 यानी ऑलमोस्ट 3900 तलाता अलब तिस्सामिया फकत मकतब जरीर। और यह है HP Pavilion 15 DW3014NX, यह है कोर i7, प्रोसेसर टाइप है इसका इंटेल कोर i7 1165G7, प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो इसका रहेगा 2.80 GHz, HD स्टोरेज है इसकी 512 GB SSD, रैम रहेगी इसकी 12 GB की, डिस्प्ले टाइप है इसका 15.6 फुल HD जो कि मेरे पास ऑलमोस्ट है इतने की, ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटेल आयरिस एक्सी ग्राफिक्स रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका है विंडो 11, अदर स्पेसिफिकेशन है USB HDMI। बात कर ली जाए प्राइस की तो इसकी है प्राइस 3699 यानी 3700 ऑलमोस्ट। बात की जाए इंस्टॉलमेंट की, अगर आप इंस्टॉलमेंट पर लेना चाहते हैं तो ये रहेगा 171.59 हलाला पर मंथ, और ये जो इंस्टॉलमेंट आपको 36 महीने तक भरनी पड़ेगी, किस्त है 157.53 हलाला 36 शहर मकतब जरीर, और ये सिर्फ आपको मिलने वाला है मकतब जरीर पर, जरीर बुक स्टोर पर। बात कर ली जाए इस वाले लैपटॉप की तो ये है HP का और ये है कोर i5 और ग्राफिक कार्ड है इसका NVIDIA, ये NVIDIA ग्राफिक कार्ड है, इसका मॉडल है NB15DW3061NX, ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 11, जितने भी अभी तक मैंने दिखाए वो विंडो 11 सपोर्ट करेंगे सब। स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो ये है इंटेल कोर i5 1135G7, ये है इसका प्रोसेसर टाइप, प्रोसेसर स्पीड की बात करें तो इसका है 2.40 GHz, HD स्टोरेज है इसका 512 GB SSD, रैम की बात करें तो 8 GB है इसका, अशासा मतलब डिस्प्ले टाइप जो है 15.6 फुल HD, और इसका है ग्राफिक कार्ड यानी कार्ड अशासा 2 GB NVIDIA GeForce MX350, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो विंडो 11 सपोर्ट करेगा ये, एंड अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात की ली जाए तो ये है USB HDMI कार्ड रीडर। बात कर ली जाए इसके प्राइस की
तो ये प्राइस रहेगा 3199 रियाल, यानी तलाता अलाप मिया 330 सऊदी रियाल। बात कर ली जाए इसके इंस्टॉलमेंट की, तो इसका इंस्टॉलमेंट रहेगा 148 रियाल 39 हलाला, और ये आपको जमा करना होगा 36 मंथ, यानी 3 साल तक आपको 148 रियाल 39 हलाला जमा करने होंगे। देखने में काफी अच्छा है और काफी एकदम अट्रैक्टिव लुक है इसका। और भाई लैपटॉप ही लैपटॉप है, वहां तक कैसे कवर करूंगा, तो मैं जल्दी जल्दी जो आपको मैं कवर करके बताता हूँ। तो मुझे एक इधर नजर आया, ये है कोर i3, ये भी है HP का, तो ये है NV15SEQ 2021 NX, विंडो 11 सपोर्ट करेगा, ये है राइजन 3, तो AMD राइजन प्रोसेसर टाइप है इसका, एंड प्रोसेसर स्पीड रहेगी इसकी 2.60 GHz, यानी उससे ज्यादा है इसकी स्पीड, और इसकी HD स्टोरेज है 256 GB SSD, रैम यानी जैक्रा 4GB रैम है इसकी। इसकी डिस्प्ले टाइप की बात की जाए तो डिस्प्ले टाइप को अरबी में बोलते हैं शाशा, वो है 15.6 फुल HD। ग्राफिक कार्ड है AMD राडियन ग्राफिक। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन यानी अदर फीचर है इसके USB HDMI कार्ड रीडर। बात कर ली जाए इसकी प्राइस की, प्राइस तो आपको बहुत बड़े बड़े लेटरों में दिख रहा होगा, तो यह है 2199 रियाल, यानी 2200 का ऑलमोस्ट ये पड़ेगा। अल्फैन मीथेन सऊदी रियाल हदा फकत फी मौजूद मकतब जरीर। इसकी इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो ये है 102 सऊदी रियाल, यानी और ये जमा करना होगा आपको 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक जो आपको 102 रियाल डिपॉजिट करने होंगे पर मंथ। और ये है HP का इंटेल कोर i3, उससे भी कम प्राइस की बात की ली जाए तो ये है इंटेल कोर i3 105 यानी G1 प्रोसेसर टाइप है इसका, एंड प्रोसेसर स्पीड रहेगी इसकी 1.2 GHz, उससे कम है, प्राइस के हिसाब से ही कम है। HD स्टोरेज इसका है 1 TB HDD, रैम यानी जैक्रा 4GB, डिस्प्ले टाइप यानी शाशा 15.6 HD। ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो इंटेल USD ग्राफिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन USB HDMI कार्ड रीडर सपोर्ट करेगा। बात कर ली जाए तो यह है 2099 रियाल, यानी अल्फैन 330 रियाल फकत फी मौजूद है ना मकतब जरीर। बात कर ली जाए इसकी इंस्टॉलमेंट की तो यह है 98 रियाल पर मंथ, और ये आपको डिपॉजिट करना होगा 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक आपको जो है 98 रियाल डिपॉजिट करने होंगे। भैया इंटेल अगर आपको सस्ते प्राइस में चाहिए, यानी 2000 सऊदी रियाल से नीचे नीचे, तो ये वाला लैपटॉप जो आपके लिए काफी बेहतर होने वाला है। तो इसके बारे में बात कर ली जाए, ये है इंटेल सेलोरन N4120, ये है इसका प्रोसेसर टाइप। प्रोसेसर स्पीड की बात कर ली जाए तो यह है 1.10 GHz, और यह है HD स्टोरेज 128 GB SSD। रैम की बात कर ली जाए तो यह है 4GB फुल HD। शाशा यानी डिस्प्ले टाइप 15.6 है, यानी जितने भी लैपटॉप मैंने अभी तक दिखाया वो 15.6 ही हैं। ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो कार्ड यानी शाशा इंटेल USD ग्राफिक 600। ऑपरेटिंग सिस्टम ये विंडो 11 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो USB HDMI एंड कार्ड रीडर। बात आती है प्राइस की, तो इसका प्राइस है 1599 रियाल, यानी अल्फ 530 रियाल, यानी ऑलमोस्ट अल्फ 600 यानी, और ये है ओनली मकतब जरीर यानी जरीर वो स्टोर पर। अगर इसके इंस्टॉलमेंट की बात की ली जाए तो यह है 74 रियाल 17 हलाला, और यह आपको डिपॉजिट करना होगा 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक आपको जो है 74 रियाल ये डिपॉजिट करने होंगे। और यह है लेनोवो, काफी अच्छी कंपनी है अगर देखी जाए तो। ये लैपटॉप मैं दिखाने वाला हूँ आपको, तो ये बाकी लैपटॉप से काफी बेहतर है, क्योंकि इसमें रैम है 8GB। अगर बात कर ली जाए इसमें तो इसका 1500 का, लेकिन इसमें जो है 4GB रैम है। तो इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो यह है लेनोवो आइडियापैड 5, विंडो 10 सपोर्ट करेगा, कोर i7 है, प्रोसेसर टाइप है इसका इंटेल कोर i7 1165G7, प्रोसेसर स्पीड इसकी रहेगी 2.80, HD स्टोरेज इसका है 1 TB HDD एंड 128GB SSD, रैम है इसकी 8GB, डिस्प्ले टाइप है इसका 15.6 फुल HD, ग्राफिक कार्ड है इसका इंटेल आइरिस XC ग्राफिक, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 सपोर्ट करेगा, अदर स्पेसिफिकेशन है इसका USD HDMI कार्ड रीडर फिंगरप्रिंट, वाओ माशाल्लाह फिंगरप्रिंट इसमें, यहाँ पर जो है आइडिया पैड काफी सारे फंक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इंटेल आइरिस एक्स ग्राफिक डिजाइनर, ग्राफिक कार्ड, इंटेल कोर i7 की बैजिंग, क्विक चार्ज बैटरी, काफी सारे सिस्टम दिए गए हैं ये यहाँ पे। बात कर ली जाए इसके प्राइस की तो इसका प्राइस है 3499 रियाल, यानी 3500 ऑलमोस्ट रहेगा, यानी सऊदी रियाल तलाता रियाल हदफी सहरियन मिया इतने 3 रियाल
63 सहर, यानी 162 रियाल जो है आपको 3 साल तक डिपॉजिट करने होंगे। तो बात क्या है कि कमामा जो है लगाना पड़ रहा है, तो आपको पहचान कर लेनी है कि ट्रैवलिंग यासीन है ये जी। अगर एक एक लैपटॉप में दिखाऊंगा तो शायद मुझसे एक दिन में कवर भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मकतबत जरीर यानी जरीर बुक स्टोर में इतने सारे लैपटॉप हैं, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लैपटॉप है। अगर लैपटॉप की क्वांटिटी के बारे में बात कर ली जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 500 जो है लैपटॉप्स हैं अलग अलग कंपनी के, तो इसलिए हर लैपटॉप को कवर करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कोर i3 के दिखा दूँ, कोर i7 के दिखा दूँ, कोर i5 के दिखा दूँ, तो उससे क्या है कि जल्दी कवर कर लूंगा मैं। यह है लेनोवो आइडिया पैड इंटेल इनसाइड की बैजिंग। यह है लेनोवो आइडिया पैड 14 GL05, सपोर्ट करेगा विंडोज 10। प्रोसेसर टाइप है इंटेल सेलेरॉन N4020। इसके प्रोसेसर टाइप है, प्रोसेसर स्पीड रहेगी 1.10GHz। SSD स्टोरेज है इसका 120GB SSD। रैम है इसका 4GB। डिस्प्ले टाइप है 14 फुल HD और ग्राफिक कार्ड इंटेल USD ग्राफिक 600। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 10 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन तो सब में वही है, USB HDMI SD कार्ड रीडर। प्राइस की बात कर ली जाए तो यह है सऊदी 1499 रियाल यानी 1500 ऑलमोस्ट 1500 सऊदी रियाल। अल्फ अरबामिया 330 सऊदी रियाल फकत फी मौजूद मकतब जरीर। इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो यह है 69 रियाल 53 हलाला पर मंथ, पर ये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे 36 मंथ तक। तो मैं यहाँ से जो है 2 लैपटॉप कवर करूँगा एक साथ में। ये भी कोर i3 है एंड ये भी कोर i3 है। प्रोसेसर स्पीड इसकी रहेगी 1.20 एंड इसकी स्पीड है 2.10। HD स्टोरेज है 128GB एंड इसका है 1TB HDD। रैम इसकी भी 4GB है, इसकी भी 4GB है। डिस्प्ले टाइप इसका है 14 फुल HD, इसका भी 14 फुल HD है। ग्राफिक कार्ड की बैजिंग की बात करें तो इंटेल USD ग्राफिक है, इसमें भी इंटेल USD ग्राफिक है। विंडो 10 ये सपोर्ट करेगा, विंडो 10 ये सपोर्ट करेगा। इसमें अदर स्पेसिफिकेशन यानी USB HDMI कार्ड रीडर फिंगरप्रिंट का इसमें सिस्टम है यहाँ पे। इसमें भी फिंगरप्रिंट और HDMI USB का सिस्टम है। अब इसमें क्या है कि ये भी विंडो 10 सपोर्ट है, ये भी विंडो 10 सपोर्ट है। ये लेनोवो आइडिया पैड 3 है, वो जो है लेनोवो आइडिया पैड 3 14 एंड 1105 है वो। इसका प्राइस है 1899 रियाल, इसका प्राइस है 1799 रियाल। इसकी इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो ये है 88 रियाल पर मंथ आपको डिपॉजिट करने होंगे और 36 मंथ तक। यानी अब इस बात को ना ही कहूँ तो बेहतर है कि ये कितने महीने तक जमा करने होंगे, यानी कोई से भी लैपटॉप इंस्टॉलमेंट पर लोगे यहाँ पे तो 3 साल तक जो आपको डिपॉजिट करने होंगे। एंड ये जो है 83 सऊदी रियाल पर मंथ डिपॉजिट करने होंगे। और ये है एशर कंपनी का एशर एस्पायर 3, विंडो 10 सपोर्ट करेगा। इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो इंटेल सेलेरॉन N4020 ये प्रोसेसर टाइप है। प्रोसेसर स्पीड इसकी रहेगी 1.10GHz। HD स्टोरेज की बात कर ली जाए तो यह है 128GB PCIe जी, इसका ये कोई मतलब की बैजिंग है। एंड रैम की बात कर ली जाए तो यह है 4GB सपोर्ट एंड डिस्प्ले टाइप है 15.6 फुल HD। ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो इसमें है इंटेल HD ग्राफिक 600। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया विंडो 10 सपोर्ट करेगा ये वाला। अदर स्पेसिफिकेशन है USB एंड HDMI। प्राइस की बात कर ली जाए तो यह है 1499 रियाल यानी अल्फ अरबामिया 330 रियाल फी फकत हदम मकतब जरीर। बात कर ली जाए इसकी इंस्टॉलमेंट की तो ये 69 रियाल पर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट देनी होगी ये 36 मंथ तक। काफ़ी अच्छा है ये 1499 रियाल में। वाईफाई है एस्पायर 3, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं इसमें। भाई आपके किफ़ायती दामों पर कोर i3 दिखाऊंगा मैं आपको, ये कोर i3 और ये कोर i5। तो ये है एशर एस्पायर 3 A315। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका, ये है इंटेल कोर i3 10th जनरेशन। प्रोसेसर टाइप है इसका इंटेल कोर i3 105 यानी 1005G1। प्रोसेसर स्पीड रहेगी 1.20 इसकी GHz। HD स्टोरेज है 1TB HDD। रैम की बात कर ली जाए तो रैम है ये 4GB। डिस्प्ले टाइप यानी शाशा 15.6 HD। ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो इंटेल USD ग्राफिक है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 सपोर्ट करेगा एंड अदर स्पेसिफिकेशन USB एंड HDMI। प्राइस की बात कर लें तो इसका प्राइस है 2099 सऊदी रियाल यानी 1330 रियाल फकत मकतब जरीर। अगर इसकी इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो 97 रियाल 37 हलाला पर मंथ आपको देने पड़ेंगे और ये आपको डिपॉजिट करने होंगे 3 साल तक यानी 36 मंथ तक। काफ़ी अच्छा लैपटॉप है कोर i3 10th जनरेशन, मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेहतर है। ये भी कोर i3
ही दिखाऊंगा, लेकिन इस पे बेजिंग राइजन की है। एसर एस्पायर 5 विंडो 11 सपोर्ट करेगा, एमोड राइजन 5, प्रोसेसर टाइप यानी एएमडी राइजन 5 5500U, प्रोसेसर स्पीड इसकी रहेगी 2.10, एसएसडी स्टोरेज ये इसका है 512GB यानी 512GB एसएसडी, रैम की बात कर ली जाए तो ये है 8GB रैम, डिस्प्ले टाइप है इसका 15.6 फुल एचडी, ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो ये 2GB एएमडी रेडियन आरएक्स 640 ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 11 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन ये है यूएसबी एचडीएमआई। अब बात आती है इसके प्राइस की, तो ये है 3299 सऊदी रियाल, तलाता अलप 3339 रियाल मैं तरीबा। इसकी इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए यानी किस्त है, पे विद इंस्टॉलमेंट सऊदी 153 रियाल पर मंथ, और ये आपको डिपॉजिट करने होंगे 36 मंथ तक। और ये है एशर कंपनी का, और ये एसर स्विफ्ट SF114, यह है इंटेल सेलरॉन एन 4500, इसका प्रोसेसर टाइप है, प्रोसेसर स्पीड रहेगी 1.10GHz, एसएसडी स्टोरेज इसका है 128GB eMMC, रैम इसकी रहेगी 4GB, डिस्प्ले टाइप है इसका 14 फुल एसडी, ग्राफिक कार्ड है इसका इंटेल एसडी ग्राफिक, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11S सपोर्ट करेगा ये। अदर स्पेसिफिकेशन यूएसबी एंड एचडीएमआई। बात कर ली जाए इसके प्राइस की, तो इसका प्राइस रहेगा 1799 रियाल यानी 1800 ऑलमोस्ट रहेगा, अल्फ 7300 रियाल यानी ये मिलेगा आपको मकतब जरीर यानी जरीर बुक स्टोर पर। इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो 83 रियाल पर मंथ आपको देने होंगे, और ये देने होंगे आपको 36 मंथ तक। और अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको लेटेस्ट लैपटॉप्स, यानी उसमें ऐसे फीचर्स रहेंगे शायद आप सोचेंगे कि मुझे ये वाला लैपटॉप जो है लेना चाहिए जरूर। आ जाओ फिर, ये जितने भी लैपटॉप्स हैं ये हैं सब हुआवे कंपनी के। आप हुआवे को हवाई बोलते हो या कुछ और बोलते हो, खैर एडजस्ट कर लेना कि इसमें बहुत बेहतरीन सिस्टम दिया गया है। अगर आपके पास हवाई का ही मोबाइल है तो आप जो मोबाइल पे ऑपरेट करेंगे ना, आप जो मोबाइल पे चलाएंगे या देखेंगे वही वहां पे दिखेगा, क्योंकि यहां पे है यानी हुआवे शेयर। चलो खैर इसी की बात कर ली जाए तो ये है हुआवे मैट बुक D15 विंडो 10 सपोर्ट करेगा, इंटेल कोर i3 10th जनरेशन। अगर इसके प्रोसेसर टाइप की बात कर ली जाए तो ये है इंटेल कोर i3 10 11 OU 10 110U, प्रोसेसर स्पीड इसकी है 2.10GHz। यहाँ पे मुझको जो है कोर i5 में दो लैपटॉप दिख रहे हैं, एक तो ये है और ये भी कोर i5 है एंड ये भी कोर i5 है, लेकिन अब इसमें तीनों सेटों में जो है फर्क देखना है हमें, यानी हुआवे मैटबुक D15 वो भी है एंड हुआवे मैटबुक D15 ये है एंड हुआवे मैटबुक D14 है ये। इसका 8GB रैम है, इस वाले लैपटॉप की 8GB रैम है, इसकी भी 8GB रैम है। एसडी स्टोरेज की बात की ली जाए तो 512GB, ये सिर्फ फर्क है इसमें 512GB SSD है एंड उसमें 256GB SSD है। डिस्प्ले टाइप उसका जो है 15.6 फुल SD है एंड इसका भी डिस्प्ले टाइप 15.6 फुल SD है। ग्राफिक कार्ड की बात कर ली जाए तो इंटेल आयरिस XE ग्राफिक सपोर्टिंग है और वो जो है इंटेल USD ग्राफिक सपोर्टिंग है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 ये सपोर्ट करेगा एंड विंडो 10 ये सपोर्ट करेगा। इसमें अदर स्पेसिफिकेशन ये है USB HDMI, उसमें भी अदर स्पेसिफिकेशन USB HDMI फिंगरप्रिंट्स। अगर उसके प्राइस की बात कर ली जाए तो वो है 2399 रियाल यानी ऑलमोस्ट 2400, लेकिन उसका रेगुलर प्राइस जो है 2900 यानी आपको जो है 500 डिस्काउंट में मिल रहा है, यानी अव्वल सार अल्फैन 8330 रियाल, बाद खसम अल्फैन 3330 सऊदी रियाल, अव्वल सार हदा 3330 रियाल, बाद खसम हदा अल्फैन 3330 सऊदी रियाल, अरबामिया डिस्काउंट। इस पे 400 रियाल का डिस्काउंट है, इस पे 500 रियाल का है। बात कर ली जाए इस वाले लैपटॉप की इंस्टॉलमेंट की, तो ये मिलेगा आपको 112 सऊदी रियाल पर मंथ, ये डिपॉजिट करना होगा आपको 3 साल तक। इसकी इंस्टॉलमेंट की बात की ली जाए तो इसका है 139 सऊदी रियाल पर मंथ, ये भी आपको 36 मंथ तक डिपॉजिट करने होंगे। और टच मोबाइल चलाते चलाते हमारी ख्वाहिश ये भी होती है अगर हम लैपटॉप लें तो 300-400 रियाल डालकर टच लैपटॉप ले लें, तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ टच लैपटॉप, और वो भी मुनासिब दामों पर यानी 2000 सऊदी रियाल के अंडर मैं टच लैपटॉप आपको दिखाने वाला हूँ। तो आर यू रेडी देखने के लिए भाई? तो ये है HP का फुल टच NB Pavilion X360 14DY0021N विंडो 11 सपोर्ट करेगा, इंटेल पेंटियम गोल्ड की बैजिंग है, इंटेल
पेंटियम गोल्ड 7500 05। ये है इसका प्रोसेसर टाइप। प्रोसेसर स्पीड है इसकी 2.0 GHz। SSD स्टोरेज है इसका 128 GB SSD। रैम की बात कर ली जाए तो 4 GB रैम है इसका। डिस्प्ले टाइप 14 Full HD। डिस्प्ले टाइप इसका 14 Full HD सपोर्ट करेगा। ग्राफिक कार्ड है इसका इंटेल USD ग्राफिक सपोर्टिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 11 सपोर्ट करेगा ये। एंड अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर ली जाए तो USB HDMI SD कार्ड रीडर सपोर्ट करेगा। इधर इंटेल पेंटियम गोल्ड की बैजिंग बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो इसका प्राइस है 2099 रियाल फकत, यानी 2100 रियाल में आपको टच लैपटॉप मिल रहा। देख लीजिए यहाँ से, चलो यहाँ से कुछ ना कुछ देख लेते हैं। फोटोज में क्लिक करते हैं, चेक योर कनेक्शन दिखा रहा। यहाँ पे एल्बम में जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट एन एल्बम करते हैं, कैंसिल कर देते हैं इसको, दूसरी जगह पे जाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सेटिंग में चलते हैं अभी यहाँ पे। तो ये जो है फुल टच है, तो बड़ा ही अट्रैक्टिव यार लैपटॉप है ये। टच है ओनली, ये मिल रहा है 2000 सऊदी रियाल में, और ये सिर्फ आपको मिलेगा मकतब जरीरी। अगर आप में से कोई लैपटॉप लेना सोच रहा तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला आपको ले लेना चाहिए। मिनिमाइज कर देते हैं डायरेक्ट जी यहाँ से, कैंसिल। तो ये है फुल टच। इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो 97 रियाल आपको पर मंथ देने होंगे, और ये देने होंगे आपको 36 मंथ तक। तो वैसे टच में काफी ज्यादा प्राइस के लैपटॉप है यहाँ पे, जैसे ये है 8700 का। तो हम इनमें से कोई सा भी नहीं कवर करेंगे क्योंकि काफी ज्यादा प्राइस के हैं, और आई थिंक कोई आप में से कोई लेने वाला नहीं। तो हम कवर करेंगे आई थिंक ये दोनों कोर i3 है, कोर i3 सपोर्ट, तो ये वाले जो हम कवर करेंगे जल्दी से। सबसे पहले यहाँ इंटेल कोर i3 की बेजिंग, एंड देन ये है इसका मॉडल HP पेवेलियन X360-14DY0022NX, और ये सपोर्ट करेगा विंडो 11। प्रोसेसर टाइप इसका है इंटेल कोर i3-1125G4। प्रोसेसर स्पीड इसकी 2.00 है। SD स्टोरेज यानी 256 GB, 256 GB स्टोरेज। रैम है इसकी 4 GB। डिस्प्ले टाइप यानी शाशा 14 Full HD। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इंटेल USD ग्राफिक सपोर्ट करेगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 11 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन इसकी USB एंड HDMI। चलिए जी अब इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका है 2799 सऊदी रियाल। ये भी फुल टच है जी। यहाँ पे एक्सेल में जाते हैं, एक्सेल से वैसे हमारा कोई काम तो नहीं है, मतलब कि न्यू कर लेते हैं यहाँ से। तो ये जो है इंटरनेट कनेक्शन मांग रहा, तो हमें जो है यहाँ पे नहीं जाना। तो इसका है 2799 रियाल। अल्फैन सबा मिया 3900 सऊदी रियाल, मकतब जरीर। ये जरीर स्टोर पर आपको मिलने वाला है। इंस्टॉलमेंट की बात कर ली जाए तो इसका है 130 सऊदी रियाल, यानी आपको 130 सऊदी रियाल जो है 36 मंथ तक, यानी 3 साल तक डिपॉजिट करने होंगे। काफी बेहतरीन है। यहाँ पर सर्च में जाएं, सेटिंग में जाएं, फुल टच डिस्प्ले। तो कभी कभी ये ख्याल आता है ना कि हम टच मोबाइल चला रहे हैं तो लैपटॉप भी टच चलाएं। देख लीजिए कितना बेहतरीन है जी। तो वीडियो एंड करने से पहले जो है मैं आपको दो लैपटॉप ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ, शायद ये वीडियो देखकर आपके दिमाग में और दिल में ख्याल आए इन दोनों लैपटॉप में से जो है मुझे एक लैपटॉप जरूर लेना चाहिए। जो लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो वो कौन कौन से सेट हैं और कितने प्राइस में हैं, वो सारा अभी मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही कम प्राइस पर आपको जो है ये दोनों लैपटॉप मिल जाएंगे, ऐसा समझ लीजिए, बहुत ही कम मुनासिब दामों पर, और वो भी फुल टच डिस्प्ले। आइए फिर देख लेते हैं कि वो कौन से लैपटॉप हैं। और ये है SS कंपनी का। इसका कुछ और नाम भी हो तो आप एडजस्ट कर लेना, खैर मुझे ये पता। इसमें यहाँ पे जो बैजिंग देख रहे हैं ये कितनी अट्रैक्टिव लग रही है, SS Vivo Book Flip 14, यानी कन्वर्टेबल डिजाइन, स्टेबलाइज 360 मेटल हिंज, यानी ये जो है 360 डिग्री पर जो है घूम सकता, रोटेट हो सकता है। जैसे कि रोटेटिंग में दिखा दूंगा आपको, ये जो फुल रोटेट हो जाएगा जी। इधर आई केयर की बैजिंग, यानी 30% ब्लू लाइट रेडिएशन, यानी 30% जो है इसका रेडिएशन लेस है, यानी आंखों पर जो है कोई भी आपके असर नहीं पड़ने वाला। तो इधर भी देख लेते हैं। तो इधर है इंटेल सेलोरन इनसाइट की बैजिंग, और इसका मॉडल है SS Vivo Book Flip TP401 MA कन्वर्टिबल, विंडो 10 सपोर्ट करेगा, और ये है प्रोसेसर टाइप इंटेल सेलोरन N4020। प्रोसेसर स्पीड है इसकी 1.10, HD स्टोरेज है 128 GB, eMMC, रैम है इसकी 4 GB, डिस्प्ले टाइप है ये 14 HD, यानी HD सपोर्टिंग। ग्राफिक कार्ड है इंटेल USD ग्राफिक 600 सपोर्टिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 सपोर्ट करेगा। अदर स्पेसिफिकेशन USB-C कार्ड रीडर। प्राइस की बात कर ली जाए तो इसका प्राइस ओनली 1599 रियाल, यानी अल्फ
سمیہ 39 سعودی ریال فقط ہدا قسطہ 74 ریال فقط الان 36 سحر یہ جو آپ کو 74 ریال 36 منتھ تک ڈپوزٹ کرنے ہوں گے یعنی 3 سال تک تو یہ ہے فل ٹچ یہاں پہ سرچ کر لیتے ہیں یہ تو اس پہ نیٹ نہیں ہے ابھی تو یہاں پہ کچھ بھی ٹچ کر سکتے ہو یہاں پہ یہ آ جائے گا مائی ایس ایس میل پینٹ مائکرو بینڈ ایسا سپوز کر لیجیے یہ جو ہے فل ٹچ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ایک بیجنگ لگی ہے نا ٹچ اسکرین کی یہاں پہ یہ بیجنگ دکھ رہی ہے آپ کو یہ ٹچ اسکرین کی بیجنگ ہے تو کافی اچھا یہ والا لیپ ٹاپ ہے لیکن ابھی میں جو دکھانے والا ہوں وہ بڑا اٹریکٹیو ہے اور لاسٹ میں ایک لیپ ٹاپ میں دکھانے والا ہوں وہ ایسا لیپ ٹاپ ہے شاید آپ سوچیں گے کہ یہ والا لیپ ٹاپ جو ہے مجھے لینا چاہیے ارجنٹ میں وہ بھی بہت کم داموں پر تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ والا لیپ ٹاپ کون سا ہے کون سا نہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سمپل سا ہے ادھر کافی ساری بیجنگ ہے ادھر دکھا دیتا ہوں پہلے آپ کو زوم کر کے یہ ہے ایس ایس ویوو بک اس کے یہاں پہ بھی کافی ساری بیجنگ ہے ایس ایس ویوو بک فلپ 14 لائٹ ویٹ ایکسٹریملی پورٹیبل اینڈ پاور فل پرفارمنس اینڈ روٹیبل ڈسپلے یعنی 360 ڈگری پر یہ جو روٹیٹ ہو جائے گا لیکن آپ نے یہاں دیکھا آپ نے یہ جو ہے شیئرنگ کا بٹن ہے اینڈ یہ جو ہے کچھ کیلکولیٹر ٹائپ کا ہے یعنی ڈسپلے ٹائپ کا جیسا کہ تو یہ جو ہے دیکھ رہے ہیں ابھی سمپل میں لیکن میں یہاں پہ ٹچ کروں گا دیکھ لیجیے یہاں پہ یعنی کی پیڈ آ گیا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کی پیڈ تو یہاں پہ جو ہے کی پیڈ آ گیا کتنا اٹریکٹیو ہے اور یہ ہے فل ٹچ اب بات کر لی جائے اس کے فیچرس کی کہ کتنے کا ہے یہ اور کیا کیا فیچرس ہیں اس میں چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کے فیچرس کے بارے میں یہ ہے ایس ایس ویوو بک فلپ 14 ونڈو 10 سپورٹ کرے گا اور ایم ڈی رائزن 500 ڈی یو یہ ہے پروسیسر ٹائپ اس کا اس کی پروسیسر اسپیڈ رہے گی 2.10 ایچ ڈی اسٹوریج اس کا 512 جی بی پی سی آئی ای ایس ایس ڈی یعنی 512 جی بی ایچ ڈی اسٹوریج ہے اس کا ریم کی بات کر لی جائے تو 8 جی بی ریم ہے ڈسپلے ٹائپ 14 فل ایچ ڈی سپورٹنگ گرافک کارڈ یعنی اے ایم ڈی رائڈین گرافک سپورٹ ہے آپریٹنگ سسٹم ونڈو 10 سپورٹ کرے گا ادر اسپیسیفیکیشن یو ایس بی ایچ ڈی ایم آئی ایس ڈی کارڈ ریڈر یہ بھی ساری چیزیں سپورٹنگ کرے گا بات کر لی جائے اس کے پرائز کی تو یہ ہے 3199 سعودی ریال میں تریبا تلا 139 سعودی ریال فقط فی موجود ہے مکتبۃ ضریر قسطہ 148 سعودی ریال یعنی 148 ریال جو آپ کو پر منتھ ڈپازٹ کرنے ہوں گے اور یہ ڈپازٹ کرنے ہوں گے 3 سال تک تو یہ کافی اچھا ہے یہاں پہ بھی یہ بیجنگ ہے رائزن کی کافی اچھا اٹریکٹیو لک ہے یار اس والے لیپ ٹاپ کا تو یہ والے لیپ ٹاپ جو دکھائے میں نے شاید ویڈیو دیکھ کے آپ کے من میں خیال ضرور آئے گا کہ ان میں سے ٹچ لیپ ٹاپ تو ضرور لیا جائے میرے پاس ہے نہیں تو میں یہ ٹچ لیپ ٹاپ لیتا کیونکہ بڑا پرفیکٹ اور اٹریکٹیو لک والا لیپ ٹاپ ہے یہ تو ٹائم جو ہے کافی ہو گیا آلموسٹ تو آج کی اس والی ویڈیو کا ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں پھر اپنے ایک نیکسٹ بلاگ میں تب تک کے لیے خدا حافظ اور یا اللہ السلام